आप सभी का वेलकम करता हूं एचटी चैनल में। फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर इन डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज आर यूज टू सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शंस ऑपरेशन एंड फॉर डिजिटल मैनिपुलेशन। बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट है, ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में, और ये जो है सिंप्लीफाई करते हैं हमारी सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है डिजिटल जो कंप्यूटर में, वो जो है ये सिंप्लीफाई करते हैं इसकी मदद से। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर अ नंबर ऑफ बेस आर इंडेक्स आर। बेसिकली जो है हमारे पास दो टाइप्स की कॉम्प्लीमेंट होती हैं किसी भी बेस नंबर की, वो कौन कौन सी होती है। एक होती है आर एस कॉम्प्लीमेंट्स, दूसरी होती है आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। आर क्या है, बेस, मतलब हर नंबर सिस्टम में अलग अलग जो है बेस होता है, तो हर सिस्टम में बेसिकली दो ही कॉम्प्लीमेंट होती हैं, एक उसकी जो है आर एस कॉम्प्लीमेंट और दूसरी आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिटल सिस्टम में। ठीक, आइए देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस क्या होता है, 10। तो इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होंगी, आर कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है बेसिकली आर मतलब बेस है। ठीक है, तो आर कॉम्प्लीमेंट मतलब एक होगी 10 कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या था आर माइनस वन, तो 10 माइनस वन क्या होता है 9 कॉम्प्लीमेंट। ये किसमें, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में जो टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट थी, वो एक थी 10 कॉम्प्लीमेंट और दूसरी 9 कॉम्प्लीमेंट। अगर सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम में बात करें तो वहाँ पर बेस क्या होता है 2, तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या होंगी, एक होगी 2 कॉम्प्लीमेंट और दूसरी होगी 2 माइनस 1 मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लीमेंट। आगे हम इसको वन बाय वन सोल्व करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।